राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राधा कृष्ण की कहानी। बंधुओं, कार्तिक मास में राधा कृष्ण की कहानी को रोजाना सुने, देखना आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक का महीना था। श्री कृष्ण और राधा जी यमुना पर स्नान करने जाते थे। एक दिन राधा ने कहा, हे श्याम सुंदर, मुझे कोई सहारा चाहिए, मैं यमुना पर जाकर थक जाती हूँ। भगवान बोले, राधे, घर में दूसरे का थोड़ा दुख भी होता है। तो राधा कहती, सुख भी होता है और दुख भी, आप मुझे दूसरा ला दो। भगवान बोले, राधे, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तो भगवान घूमने गए, रास्ते में तुलसा मिल गई। भगवान ने पूछा, तुम इधर अकेली घूम रही हो? तुलसा बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा, ठीक है। वही उन्होंने शादी कर ली। जब वह भगवान के साथ जाने लगी तो वह बोले, ऐसे तो राधा तुम्हें आने नहीं देगी। वह बोली, फिर मैं कैसे आऊँ? भगवान बोले, सुबह दही बेचने आना, फिर मैं बात बना दूंगा। तुलसा बोली, ठीक है। सुबह वह दही बेचने भगवान की गली में गई। भगवान ने राधा से कहा कि दही ले लो। राधा बोली, मैंने तो बहुत दही जमाया है। भगवान बोले, देख तो, कई बार नहीं भी जमता। जब राधा ने देखा तो दही नहीं जमा था। फिर उसने कहा, महाराज, दही तो नहीं बना। तो भगवान बोले, दही ले लो। राधा ने आवाज लगाई और देखा कि उसके हाथों में कलीड़े और लाल सालू है। तो राधा ने पूछा, तेरी शादी कब हुई? उसने कहा, कल ही हुई। तो भगवान ने कहा, राधे, इसे शगुन डाल दो, जो हमारे घर आए खाली ना जाए। राधा ने शगुन डाल दिया। फिर उसने पूछा कि अगर हम आपको अपने घर में रख लें तो रह जाओगी? तुलसा जी बोली, हाँ, मैं रह जाऊंगी। अब वह घर का काम करती है और राधा भगवान जी के साथ यमुना नहाने जाती है। एक दिन राधा ने कहा, हम यज्ञ करेंगे। तो उसने सभी संतों और देवताओं को न्योता दिया। उस दिन राधा की आंख नहीं खुली। तुलसा जी ने सुबह उठकर सारी रसोई तैयार की। जब राधा की आंख खुली, वह बहुत घबराई और भगवान से बोली, आपने मुझे उठाया ही नहीं। भगवान कहने लगे, राधे, तुलसा तेरा सब काम कर देगी। राधा ने कहा, बहन तुलसा, जो भी तू मांगेगी मैं तुझे दूंगी। तो तुलसा ने रसोई का दरवाजा खोला तो सब कुछ तैयार पड़ा था। राधा बहुत खुश हुई। उन्होंने सबको भोजन करवाया। फिर तुलसा से राधा बोली, आओ हम भी खाएं। तुलसा ने कहा, मैं पहले आपसे वर मांगूंगी फिर खाऊंगी। राधा ने कहा, ठीक है, मांगो। तो उसने कहा, सारा महीना भगवान के साथ आपने स्नान किया, अब पांच एकादशी यमुना पर भगवान के साथ मैं भी जाऊंगी। राधा ने कहा, ठीक है। अब भगवान ने कहा, राधा, हम भी यज्ञ करेंगे। राधा ने कहा, ठीक है। राधा ने खूब तैयारी कर दी। भगवान ने यज्ञ किया। अब जो कुछ भी भगवान को चाहिए होता था तो वे तुलसा को आवाज लगाते। एक दिन राधा को ठीक ना लगा कि कभी आवाज ही नहीं लगाते। तो राधा ने सब कुछ छुपा दिया। भगवान ने तुलसा को कहा, मेरी गड़वी दो। तो तुलसा की गड़वी नहीं मिली। तो भगवान ने कहा, तुलसा, तू अंदर ही जम गई। भगवान ने जो कहा वह ठीक हो तो तुलसा वहीं पर पौधा बन गई। तो भगवान भी ठाकुर बन गए। फिर राधा आई तो देखा तुलसा पौधा बनी पड़ी है और भगवान ठाकुर जी बन गए। तो राधा ने पूछा, मैं जो पूछूं तुलसा रानी, किस तेरा वन बनाया,
किस तेरे वन नु ठंडा जल पाया, जी धन धन जी तुलसा दे मंदर आयो, मैं जो दसा राधा रानी श्याम ने वन बनाया। रानी रुकमन ठंडा जल पाया जी, धन धन जी तुलसा दे मंदर जायो री, धन मेरे भाग ठाकुर आप मेरे घर आयो री, श्री विजवासी कन्हैया लाल जी तुमसे हमारी वंदना, हारा वाले नंदलाल जी तुमसे हमारी वंदना। चल सखी चल देख के आइये नी, हारा वाले दा दर्शन पाइये, जा बसे नंद के नंदलाल, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे जी, अधर मधुर मुख मुरली साजे जी, वहां पटे हाथ सोहे कंगना, राधा देहत मेहंदी राजे जी, श्याम देहत सोहे कंगना, कोई जो कुब्जा ने जादू किना जी, श्याम साडा बसकर लीना जी, ले आई किसके चंदना, मीरा के प्रभु गिरधारी जी, दे संग सदा चलना, श्री ब्रजवासी कन्हैया लाल जी तुमसे ही हमारी वंदना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।